दीपक ने हाल में ही एक मिडकैप कंपनी में पैसा लगाया है, वजह वही शेयर के मल्टीबैगर बनने की आस। अभी मोटे रिटर्न के ख्वाब आ ही रहे थे कि एक खबर ने उन्हें हिला दिया। खबर ये थी कि इस मिडकैप कंपनी के प्रमोटर्स ने शेयरों को गिरवी रख दिया है, कंपनी ने शेयर गिरवी रखकर पैसे जुटाए हैं। खबर आने के साथ शेयर भी एकदम औंधे मुंह गिर गया। अब तो दीपक बुरी तरह डर गए, रिटर्न तो दूर, लगाई पूंजी भी खत्म हो जाएगी क्या। वह एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर विनीत के पास जा पहुंचे। विनीत से पुराना याराना है, लेकिन दोनों में लंबे वक्त से बातचीत नहीं हुई थी। अरे भाई क्या बात है, आज गरीब खाने पर कैसे आना हुआ? तुम तो भूल ही गए हो, मैंने सोचा कि खुद ही चलता हूँ। अरे लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो, सब ठीक है ना? हाँ वैसे सब ठीक है, लेकिन एक झंझट में फंस गया हूँ यार। अरे क्या हो गया? अरे मैंने एक मिडकैप में पैसा लगाया था, अब उसके प्रोमोटर ने शेयर गिरवी रख दिए हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, लग रहा है कि पूरा पैसा डूब जाएगा। ओहो ये चक्कर है, चल कोई ना, इस पूरे मसले को मैं तुम्हें समझाता हूँ। हाँ भाई ज्यादा पैसा लगा दिया है और जान सूखी पड़ी हुई है। अरे घबरा मत, देख जैसे कई दफा हमारे पास पैसों की तंगी होती है तो बाहर से उठाना पड़ता है, ऐसा ही कंपनियों के साथ भी होता है। एक बार तो मुझे भी जेवर गिरवी रखने पड़े थे, बाद में पैसा चुका कर जेवर छुड़ा लिए थे। लेकिन कंपनियों को ऐसी क्या जरूरत आ पड़ती है? अरे कंपनियों के भी 100 तरह के खर्च होते हैं, इसके लिए कारोबारी कभी वर्किंग कैपिटल लोन लेने पड़ते हैं तो कभी टर्म लोन, कई दफा तो उन्हें प्रॉपर्टी या शेयर गिरवी रखकर पैसे जुटाने पड़ते हैं। अच्छा तो ये एक आम बात है? नहीं नहीं, नहीं ये आम बात तो नहीं है, क्योंकि जब पैसे जुटाने के सभी जरिए खत्म हो जाते हैं तभी कंपनियां शेयर गिरवी रखती हैं, फिर भी ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा लेकिन कंपनी का शेयर औंधे में वो क्यों गिर पड़ा? देखो जब बाजार में गिरावट का दौर हो तब शेयर गिरवी रखना रिस्की हो जाता है, अब शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव होना तो लाजमी है। यार सुनना, समझ नहीं आई बात मुझे। अरे तुमने जिस मिड कैप पे पैसा लगाया है पहले उसी की बात करते हैं। हाँ भाई ये ठीक रहेगा। देखो कंपनी के प्रमोटर ने 10% शेयर गिरवी रखकर 50 करोड़ रुपए उधार लिए हैं। बिल्कुल ठीक। अब चूंकि बाजार वैसे ही बेहाल बना हुआ है, ऐसे में शेयरों की वैल्यू घटकर 35 करोड़ रह गई। अब प्रमोटर को इस गैप की भरपाई करनी होगी। मतलब ये कि प्रमोटर को कम से कम 15 करोड़ रुपए के शेयर और गिरवी रखने पड़ेंगे। यार ये तो आफत है। हाँ ये पूरी साइकिल है। अब मान लो अगर प्रमोटर और शेयर गिरवी नहीं रखता तो बैंक उसके शेयरों को बेच सकते हैं। अरे इससे क्या होगा? इससे प्रमोटर होल्डिंग कम हो जाएगी और पब्लिक होल्डिंग बढ़ जाएगी, यानी शेयरों पर बिकवाली का प्रेशर आ जाएगा और शेयर गिरने लगेंगे। ओहो इसी वजह से गिर रहा है कंपनी का शेयर? बिल्कुल, इसीलिए तुम्हें किसी भी कंपनी में पैसा लगाते वक्त उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को जरूर देखना चाहिए। प्रमोटरों के शेयर गिरवी रखने में कई जालसाजी के भी मामले सामने आए हैं। सही है भाई, अब से बिना खंगाले कहीं पैसा नहीं लगाऊंगा। चलो अब जरा ये भी जान लेते हैं कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं। तो मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंस के वाइस प्रेसिडेंट एडवाइजरी अखिल राठी कहते हैं कि अगर प्रमोटर्स की कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी है और वे ठोस कारोबारी वजहों से हिस्सेदारी गिरवी रख रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वे व्यक्तिगत वजह से शेयर गिरवी रख रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। मनी नाइन की सलाह है कि किसी कंपनी के काम की जांच परख करते वक्त न सिर्फ उसके शेयर होल्डिंग को देखें बल्कि एक कदम आगे जाकर प्लस शेयरों के डेटा चेक करें। गिरवी रखे शेयरों के डेटा को देखकर आप ये विश्लेषण कर पाएंगे कि प्रमोटर्स का कितना कुछ दांव पर लगा हुआ है। गिरवी रखे शेयरों के बारे में आंकड़े कैसे चेक करते हैं, इसे समझने के लिए देखिए फॉर्मूला गुरु।